अभी आप मूवी देख के आ रहे हो, कौन सी मूवी देख के आ रहे हो? थ्रू मूवी देखी है मैंने, एक सटायर था विजय माल्य पे, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, गीत को देख रहा था, वो गीत मुझे दिखाई दी थ्रू में, वही चुटकीला था, वही कॉमेडी, वही जिसको हमने कई साल पहले पसंद किया था उसको आज भी हमने एक बार पहले यही कहना चाहूँगा कि करीना ने अपना समय किया। करीना आज बहुत जची है, बहुत सूदिंग डायरेक्टर था, बहुत हंसाया उन्होंने, तब्बू ने भी बहुत हंसाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन आज मैं ये कहूँगा कि करीना ने अपना कमबैक किया है और ये कमबैक बहुत ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट उसमें से एक्टिंग आपको किसकी अच्छी लगी? लेकिन ये एक्टिंग कहते ना, एक क्लास में तीन ही स्टूडेंट थे इसमें, और तीन को अगर आप पोजिशन देना चाहेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यही पोजिशन होगी, कोई फेल नहीं हुआ है। इस क्लास के तीन ही स्टूडेंट थे, तब्बू, करीना एंड कृति, और तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि इसमें सटायर रखा गया था विजय माल्य के, क्योंकि एक एलएनसी एलियंस के मालिक दिखाए गए हैं जो भाग जाते हैं, पकड़ा हो जाते हैं, हालांकि ये किसी को टारगेट नहीं किया गया, एक सटायर होता है सबको फंसाने के लिए, ये सटायर रखा गया था फंसाने के, जिसको लोगों ने, मुझे लगता है कि मैं जब देख रहा था बहुत इन्जॉय कर रहा था। कपिल शर्मा की बात, कपिल शर्मा को आपने कॉमेडी में देखा था? देखिए कपिल शर्मा का बहुत छोटा रोल था, जब रोल छोटा होता है सपोर्टिंग होता है ना, और तो उसको एडजस्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ कपिल शर्मा का वक्त बहुत अच्छा है, लेकिन उनका शो भी आ रहा है और शो के साथ साथ इस फिल्म में उनका दिखना, हम ये कह सकते हैं कि कपिल भी एक अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं, और कपिल और तब्बू का कॉम्पिटिशन बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि उम्र में बहुत अंतर है, लेकिन कहीं वो अंतर दिखाई नहीं दिया, बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया उनका प्रतिक्रिया। रेटिंग आप कितना देना चाहोगे आउट ऑफ 5? 5 में से 3। मूवी कैसी लगी मैम आपको? उसमें कपिल शर्मा की आपको एक्टिंग कैसी लगी? और रेटिंग कितना देना चाहेंगे आप आउट ऑफ? थैंक यू। कैसी लगी भैया मूवी आपको? उसके ना एक्टिंग किसकी अच्छी लगी सर? हाँ, और उसमें कपिल शर्मा को आपको काफ़ी टाइम बाद मूवी देखने को मिली, कपिल शर्मा की छोटा सर, उसकी मूवी एक्टिंग कैसी लगी आपको? और आप कितने रेटिंग देना चाहेंगे? कैसी लगी आपको मूवी सर? और एक्टिंग उसमें किसकी अच्छी लगी आपको? उसमें कॉमेडी आपको सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी? कॉमेडी आपको सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी लगी? तब्बू की। आउट ऑफ कितने रेटिंग देना चाहोगे? खास नहीं लगी आपको मूवी? और उसमें कॉमेडी वगैरह आपको? तब्बू की काफी टाइम बाद मूवी आई थी, उसके अंदर में आपको तब्बू का रोल एक्टिंग ऐसे कोई मैसेज भी नहीं दिया ना क्लियर, कोई भी एक सीन ऐसा नहीं है इधर को देख रहे हैं, कोई मैसेज क्लियर भी नहीं हो रहा। कपिल शर्मा की? कपिल शर्मा का कुछ खास नहीं है इसमें। अच्छा हां, थोड़ी उसकी बात है तो वो ही दिखता ठीक है। तो रेटिंग कितना देना चाहोगे? 5/3। सर अभी आप मूवी देख के आ रहे हैं, कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं भैया? उसी तरह से उन्होंने दिखाया एंटरटेनमेंट, मस्ती एंड कुछ झलक इनकी जो इंडिया में किंगफिशर के मालिक थे उनके ऊपर ये उन्होंने मिक्स कराया, मिस्टर माल्या को माल्या जी से उन्होंने दिखाया कि कैसे देश की संपत्ति वो लेके मतलब चले गए बाहर, को उन्होंने उसमें सोने के रूप में दिखाया उसके चोरी के पीछे गाना है बेहतरीन जो खल रहा है था गिला अरुण जी की आवाज में मूवी बेहतरीन सीक्वेंस है। आपको सबसे बढ़िया एक्टिंग किसकी लगी? आई थिंक एक्टिंग में दिलजीत इज बेस्ट, कपिल शर्मा इज बेटर, दोनों की बेहतरीन एक्टिंग है मेल और फीमेल में थी वो ब्रादर, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया एज एयर होस्टेस एज क्रू इन एयरलाइन सो इट इज ऑल द सेम, सबके उनके सबके फैन। रेटिंग कितना देना चाहोगे आप?